कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, चलिए, टू गुड। यहीं पे थे ना हम लोग लास्ट लेक्चर में, यहीं से स्टार्ट किया था। वी आर डूइंग अ चैप्टर नेम्ड एज रेशियो एनालिसिस। एंड गाइस, लेट मी रिमाइंड यू, ब्रेक के पहले मैं आपको कह रहा था कि रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। और रेशियोज़ को हमने क्लासीफाई किया था चार पार्ट्स में, इफ़ यू रिमेम्बर। लिक्विडिटी रेशियोज़, लेवरेज रेशियोज़, एक्टिविटी रेशियोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे लिखे जाएंगे आगे। फिलहाल मैं क्या चेक कर रहा हूँ? लिक्विडिटी, कंपनी का लिक्विडिटी पोजिशन चेक कर रहा हूँ। एंड आई वेरी वेल टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट टैली करना नहीं है, अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को एनालाइज करना भी है। तो लिक्विडिटी से चालू किया था। इट्स लाइक यू नो, बॉडी को एनालाइज करना है तो पहले हाथ चेक करना है, फिर पैर चेक करना है, फिर हार्ट चेक करना है, फिर दिमाग चेक करना है। सो एक एक चीज़ें चेक करते जाएंगे, ठीक है ना? तो पहले, सबसे पहले कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन चेक कर रहे हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल लिक्विडिटी कैसी है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम छः चीज़ करेंगे, पाँच नहीं, यहाँ पे एक चीज़ कम है, पर मैं वो कराऊंगा आपको। गाइस, पहला मैंने स्टार्ट किया था करंट रेशियो से। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू डैश इज टू वन। न्यूमरेटर में करंट असेट्स, डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी। स्टैंडर्ड करंट रेशियो होना चाहिए 2:1। दैट मीन्स हर एक करंट लायबिलिटी के लिए हमारे पास दो करंट असेट्स होने चाहिए। एनीथिंग अबाउट 2:1 गुड बट नॉट बेटर, एनीथिंग लेस देन 2:1 नहीं चलेगा, ठीक है? टू गुड। नेक्स्ट वन, वी वेंट टू क्विक रेशियो और इट इज ऑल्सो नोन एज एन एसिड टेस्ट रेशियो। इट्स लाइक ओफ क्विक रेशियो, ओफ एसिड टेस्ट रेशियो। गाइस, फॉर्मूला था क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक असेट्स में क्या आना था सर? क्विक असेट्स में आना था करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। सर, स्टॉक को प्रीपेड माइनस क्यों कर दिया था? बिकॉज वो क्विक नहीं हो रखे, उसको क्विकली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। करंट रेशियो हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन बताता है, आज से एक साल का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्विक रेशियो इमीडिएट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, दैट मीन्स आज से 3 महीने तक का पोजीशन बता देता है ये। सो स्टॉक मे नॉट बी रेडिली कन्वर्टेबल इन टू कैश, एंड प्रीपेड एक्सपेंस में तो कैश आएगा ही नहीं। सो दैट इज वाई वी हैव क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। एंड गाइज, आंसर शुड बी अगेन डैश इज टू वन। स्टैंडर्ड क्विक रेशियो हो रखा है 1:1। एनीथिंग मोर देन 1:1 ओके गुड बट नॉट द बेस्ट, एंड एनीथिंग लेस देन 1:1 इज बैड। चकास, चलिए थर्ड रेशियो आ रहा है, कैश रेशियो। आई होप आपने नोटबुक्स कैलसी सब साथ में हो, बिकॉज आपको दिख रहा है मैं साथ साथ में थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। सो कैश रेशियो, अच्छा बिफोर आई गो टू कैश रेशियो, प्लीज गाइज एक इंफॉर्मेशन आपके लिए। गाइज, ये जो चार जन दिख रहे हैं यहाँ पे, सुनील सर, राहुल सर, पॉपली सर एंड तुली सर, ये चार बड़े लोग, डेफिनेटली वो थर्ड वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रखा है। ये चार बड़े लोग मिलके एक बैच रन करते हैं अनअकैडमी पे, जिसका नाम है महाबली बैच। वी कॉल इट महाबली इज बिकॉज हम आपको महाबली जैसी प्रिपेरेशन करवाते हैं। और गाइज, ये चार जन मिलके फिर से एक बार एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, और ये बैच आ रहा है 13 अप्रैल को CA इंटर ग्रुप 1 के लिए। चारों सब्जेक्ट कवर होंगे आपके, अकाउंट्स कवर होगा, कॉस्टिंग कवर होगा, लॉ कवर होगा, टैक्स कवर होगा। सो सुनील सर आपकी कॉस्टिंग ले रहे हैं, मैं आपका अकाउंट्स ले रहा हूँ, पॉपली सर आपकी लॉ ले रहे हैं, तुली सर आपका टैक्स ले लेंगे। गाइस, पूरा एक बैच है, एक टाइम टेबल शेड्यूल्ड है। मैं इस बैच में अकाउंट्स 13 से चालू नहीं कर रहा हूँ, मैं चालू कर रहा हूँ 20th से, 20 अप्रैल से, ठीक है? हु कैन अटेंड दिस बैच? सारे सारे नवंबर 22 के स्टूडेंट्स और मई 23 के स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं ये बैच, ठीक है? बढ़िया। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गेट इन टच विद मी। और सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लीज़ यूज़ इन माई कोड RM10 एंड गेट 10% डिस्काउंट। क्या कहते हो? लव यू, टेक केयर। चलिए अब नोटबुक पे आ जाइए एंड कैश रेशियो की बात कीजिए, और नोटबुक पे जाके लिखिए द थर्ड रेशियो दैट आई एम टीचिंग यू अंडर लिक्विडिटी रेशियो इज नोन एज कैश रेशियो। गाइज, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट रेशियो। न्यूमरेटर को स्क्वीज करते जा रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद था ना, करंट रेशियो, सो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सेकेंड वन, क्विक रेशियो, करंट असेट्स में से मैंने स्टॉक निकाल दिया, प्रीपेड निकाल दिया। अब तो मैं क्या कह रहा हूँ मालूम है? कैश रेशियो में न्यूमरेटर में सिर्फ तीन चीज़ें लूंगा, कैश,
बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोल दो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोल दो. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मतलब इन्वेस्टमेंट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. सिर्फ तीन चीजें चाहिए मुझे न्यूमरेटर में, सिर्फ तीन. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? और सर डिनोमिनेटर में क्या रखने वाले हो? डिनोमिनेटर में वही रहने वाला है करंट लायबिलिटी. व्हाट आर वी ट्राइंग टू इंडिकेट? क्या इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग इस फॉर्मूला से कि हमारा इमीडिएट, वेरी इमीडिएट फाइनेंशियल पोजीशन कैसा हो रखा है इन टर्म्स ऑफ ओनली कैश बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. देखो अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अगर कोई क्रेडिटर आ गया कि सर आज अपना ड्यू डेट हो रखा था, आपने गुड्स खरीदा था, हमें आपको पेमेंट करनी है, तो डू आई हैव दैट रिसोर्सेज इन माई ऑफिस राइट नाउ कि अभी उसे पे कर सकूँ? दैट इज नोन एज कैश रेशियो. क्विक रेशियो तो हाँ, क्विक रेशियो से भी रिजिड हो जाता ही है. ठीक है, क्विक रेशियो में हमारे पास आज से लेके 3 महीने तक का टाइम है. कैश रेशियो एब्सोल्यूट टुडे, आज का रेशियो. एम आई इन अ पोजिशन टू पे ऑफ माई करंट लाइबिलिटी टुडे? और करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास आज कैश होना चाहिए बैंक के, मतलब कैश घर ऑफिस में होना चाहिए या कैश बैंक में होगा तो चलेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी का भी बेच के कैश आ जाएगा अपने अकाउंट में. सो दिस आर थ्री थिंग्स ऑन द न्यूमरेटर. सो गाइस, फॉर्मूला कैश रेशियो का, कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, आंसर विल बी डैश इज टू वन. व्हाट डज इट इंटरप्रेट? इट इंटरप्रेट्स, व्हाट डज इट इंटरप्रेट गाइस? इट इंटरप्रेट्स इमीडिएट फाइनेंशियल पोजिशन, इमीडिएट फाइनेंशियल पोजिशन इन टर्म्स ऑफ कैश कॉमा बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इट शुड बी एटलीस्ट 1:1. डू यू अग्री विद दैट वन? एटलीस्ट 1:1 तो होना चाहिए ना, मतलब अगर आज हमारी करंट लाइबिलिटी 1 रुपए की हो रखी तो उतना तो कैश अपने पास होना चाहिए आज. क्या कहते हो? एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए. सो गाइस, कैश रेशियो का फॉर्मूला कैश बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी. मार्केटेबल सिक्योरिटी मीन्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इंटरप्रिटेशन, एब्सोल्यूट रेशियो ओनली टेस्ट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ कैश एंड बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज. इट जस्ट चेक्स कि हम अपने करंट लाइबिलिटी को पे कर पाएंगे कि नहीं. दिस इज मोर इमीडिएट इन टर्म्स ऑफ योर लिक्विडिटी पोजिशन. सो तीन फॉर्मूला अभी तक, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं रखा है बिकॉज रेयरली ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. सो व्हाट आर द थ्री फॉर्मूलाज दैट वी हैव? फर्स्ट वन, करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. क्विक रेशियो, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. एंड थर्ड वन इज कैश रेशियो, दैट इज कैश बैंक मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी. क्लासिक ट्यूबिट. चलिए गाइस, फोर्थ रेशियो पे जाते हैं. आई लव दिस रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो. योर नोटबुक्स अगेन, नोटबुक्स में पॉइंट नंबर 4 एंड राइट है. पॉइंट नंबर 4 पे बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल बोलते हैं या बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बहुत अच्छा लगता है गाइज, ये जो नाम भी रखते हैं ना, अब वो नाम पे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते जाओ. हाँ, सो वंडरफुल नेम दे हैव केप्ट. बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो का मतलब क्या है गाइस? बाय सम रीजन, इफ टुडे आर रेवेन्यू सीज, आज से अगर हमारे रेवेन्यूज बंद हो जाए, आज से हमारी सेल्स बंद हो जाए, आज से हमारा स्टॉक नहीं बिके, तो हम कितने दिन तक सेफ है? हाउ मच ऑफ यू नो काइंड ऑफ अमाउंट दैट वी हैव कि हम भाई इतने दिन तक तो आराम से चल पाएंगे, चलो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू नो, एक आजकल एक सीरीज देखता हूँ मैं, आई हैव टोल्ड यू गाइस, क्लास में भी बताता हूँ, मैं वाइकिंग्स देख रहा हूँ. सो उस सीरीज़ में बहुत अच्छा है, इट्स लाइक यू नो दे आर फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे विंटर आ जाता है, विंटर में देयर इज़ नो फार्मिंग एंड ऑल, तो वो लोग खाना भर के रखते हैं.
तो बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो इज यही है कि भाई देखो अभी विंटर आ रही है, 3-4 महीने कुछ भी काम नहीं होगा, तो इतना खाना है कि नहीं कि हम सफिशियंटली सर्वाइव कर पाए। तो अगर किसी दिन कंपनी के ऑपरेशन सीज हो जाए, आज से कोई सेल ही नहीं हो, हमारे कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं खरीद रहा है भाई, तो भी हमारे पास यू नो हाउ मच ऑफ अमाउंट दैट वी हैव टू कवर आर सेल्फ, एंड दैट इज नोन एज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। जकास टू गुड फॉर्मूला, बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो का। तो लिखेंगे आप मेरे साथ फॉर्मूला योर टेक्स्ट बुक में, कैश रिसीवेबल प्लस मार्केटिंग सिक्योरिटी, कैश के साथ बैंक भी आ जाता है, सो आई विल से कैश स्लैश बैंक लिख देता हूँ, प्लस रिसीवेबल्स। रिसीवेबल मतलब आज तक हम जो बेच चुके हैं डेटर, उससे जो पैसा आने वाला है, रिसीवेबल्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिख दो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स लिख दो। आई ऑलवेज हैव अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिस विल बी डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय 365। सो व्हाट यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय 365? बताता हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 365। प्लीज पहले तो सबसे पहले वहां पे नोट लिखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शुड इंक्लूड ओनली कैश एक्सपेंसेस फुल स्टॉप, नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिशिएशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अबाव रेशियो फुल स्टॉप। ठीक है, फॉर्मूला दिमाग में डालते जाओ, इट्स ऑल अबाउट एक्यूमुलेशन ऑफ फॉर्मूलाज, एंड वी विल कीप ऑन हैविंग अ राइटिंग प्रैक्टिस ऑन द फॉर्मूलाज ऑल्सो। ठीक है, ऑलवेज थोड़ा लिख के प्रैक्टिस किया करो। सो फर्स्ट वन, व्हाट इज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो? कैश बैंक रिसीवेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शुड बी डिवाइडेड बाय 365। एंड गाइज यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज, मतलब कितने दिन तक हम सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बना रहा हूँ आपके लिए, मैंने क्वेश्चन नहीं रखा है बट एग्जाम्पल बना रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पूरे साल के हो रखे हैं गाइस 365,000। जस्ट ऐसे एक नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे। सो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरे साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 365,000 है गाइस। हमारा कैश बैंक रिसीवेबल प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब मिला के हमारे पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है। और हमें इस इन्फॉर्मेशन से क्या कैलकुलेट करना है? हमें इस इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? दैट इज़ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी देखिए, बहुत सिंपल सी कहानी है। सो गाइस सॉल्यूशन बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो का फॉर्मूला, कैश बैंक रिसीवेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास 10 लाख, डिनोमिनेटर में गाइस हमें 365,000 पूरे साल का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए, डिवाइडेड बाय 365 करता हूँ तो गाइस 365,000 डिवाइड बाय 365 इट इज 1,000 पर डे। सो इन सिंपल लैंग्वेज गाइस दैट इज मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है और मुझे 1,000 पर डे चाहिए। सो गाइस 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,000 पर डे, दैट मीन्स आई कैन सर्वाइव फॉर 1,000 डेज। इज इट गुड? ऐसा प्रैक्टिकली आएगा नहीं, मैंने खाली रैंडम नंबर्स लेके आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। दैट मीन्स अगर आज से सेल्स बंद हो जाए ना, आज से अगर कोई बिजनेस नहीं हो ना, तो भी मैं 1,000 डेज तक आराम से सर्वाइव कर पाऊंगा। नॉर्मली बहुत ही खतरनाक रेशियो दिला दिया है मैंने आपको, बट एक नंबर गेम खेल रहा था मैं आपके साथ। ठीक है, कोई डाउट आपको? करेक्ट है, दिस इज नोन एज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। इट्स लाइक डिफेंस में चले जाओ कि आज से कुछ नहीं होगा, वर्स सम क्रिटिक,
जकास, टू गुड। चलिए वंडरफुल गाइस, फर्स्ट वन फॉर्मूला, करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, कैश रेशियो, कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, एंड नेक्स्ट वन इज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, कैश बैंक रिसीवेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस पर डे, या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस पर ईयर डिवाइड बाय 365। क्लासिक, टू गुड। चलिए गाइस, नेक्स्ट द फोर्थ पोजिशन और द फिफ्थ थिंग दैट वी कैन कैलकुलेट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। अब यहां पे वर्किंग कैपिटल पॉइंट नंबर फाइव, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज द मनी दैट आई रिक्वायर फॉर माय डे टू डे ऑपरेशंस, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल का मतलब है द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? गाइस स्टैंडर्ड वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, नहीं वो नहीं बता सकता हूं मैं। अब हर एक रेशियो का ऐसे एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, जैसे कि बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो सर कितना होना चाहिए, आई कांट गिव यू दैट स्टैंडर्ड। एवरी कंपनी डज नॉट रन ऑन दैट वन स्टैंडर्ड। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? हाँ, करंट रेशियो का स्टैंडर्ड था 2:1, क्विक रेशियो वाज 1:1, आई सेड कैश रेशियो भी एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो में कोई स्टैंडर्ड नहीं। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का स्टैंडर्ड कैसे दे सकता हूँ? हाउ मच इज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑपरेशन, इट डिपेंड्स अपॉन स्केल ऑफ ऑपरेशन। क्या कहते हो, कंपनी कितना बड़ा है, कंपनी के कितने ब्रांचेज हो रखे हैं, कंपनी कौन से लेवल पे काम करता है, रीजनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है वो, है ना? तो गाइस, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल गाइस, वन साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितना बड़ा हुआ है गाइस, नेचर ऑफ बिजनेस, कौन से बिजनेस के नेचर में है हम लोग, सो दैट इज नोन एज नेचर ऑफ बिजनेस। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? थर्ड वन, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, हमारे ऑपरेशंस कितने यू नो बड़े हैं, एंड बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स, कौन से कंट्री में हूँ, ठीक है, एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें हमारा वर्किंग कैपिटल डिफाइन करेगी। तो हमें बिजनेस के अंदर जाना है और ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल निकालना है। ऑप्टिमम, देखो ये वर्ड से थोड़ा प्यार करने लगो अभी, ऑप्टिमम, इट्स नॉट मैक्सिमम, इट्स नॉट मिनिमम, इट्स ऑप्टिमम। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम मतलब कम से कम। हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल भी नहीं चाहिए, कम वर्किंग कैपिटल भी नहीं चाहिए, हमारे बिजनेस के अपॉन यू नो अप्रॉक्सीमेट हमारे बिजनेस के लेवल का वर्किंग कैपिटल चाहिए, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल, ठीक है? सो गाइज, फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला है सिंपल सा, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे अपॉन करंट लायबिलिटी नहीं करना है, यहाँ पे माइनस करंट लायबिलिटी करना है। तो हमें यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल का। नोट नोट, एवरी कंपनी शुड ट्राई टू मेंटेन ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल, ट्राई टू मेंटेन ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल, फुल स्टॉप, और वर्ड ऑप्टिमम को हाईलाइट कर देना या अंडरलाइन कर देना। जब नोट्स बना ही रहे हो तो बहुत जकास में नोट्स बनाओ, ठीक है? एकदम क्लियर? एनी डाउट्स ऑन दैट? रॉकिंग, टू गुड। चलिए, वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एक्सक्लूडिंग नहीं, फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरप्रिटेशन, बैंकर्स लुक एट नेट वर्किंग कैपिटल ओवर द टाइम टू डिटरमाइन द कंपनीज एबिलिटी टू वेदर द फाइनेंशियल क्राइसिस, लोन्स आर ऑफन ट्राइड टू मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मतलब बैंक्स अगर हमें लोन दे रही है ना, तो वो ऑलवेज चेक करेगी कि कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका। जकास, टू गुड। अब क्वेश्चन नंबर थ्री पहले मत करो,
एक रेशियो यू नो जो नोट्स में नहीं लिखा है, ये एक एक्स्ट्रा रेशियो, यू नो आप लोग इतने अच्छे हो, 5 रेशियो पढ़ लिए, तो एक रेशियो मेरी तरफ से फ्री दे रहा हूँ मैं आपको, फ्री 5 पे 1, फ्री फ्री फ्री. व्हाट इज दैट? 6th वन, एंड दिस इज नोन एज स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो. स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो. अब बहुत सारे रेशियो के तो नाम ही है ना भाई, उसका फॉर्मूला होता है. आगे चल के मैं एक रेशियो कराऊंगा आपको, हाँ, नाम है डेट इक्विटी रेशियो. मेरे को बहुत याद है, यू नो बहुत साल पहले एक लड़की का कॉल आया था, नहीं सी सेट सर मेरे को एक फॉर्मूला में डाउट है, बताओ ना फॉर्मूला क्या है. बोला हाँ बेटा नाम पूछ, कौन सा फॉर्मूला, कौन से रेशियो का फॉर्मूला चाहिए. बोलती सर डेट इक्विटी रेशियो. बोला कौन सा? बोलती सर डेट इक्विटी रेशियो. बोला कौन सा? बोलती सर डेट इक्विटी रेशियो. बोला कौन सा? ऐसे मैंने 5-10 बार कराया, अभी थक गए. बोलती सर आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या? बोला बेटा मेरे को आवाज़ आ रही है, तू अपनी आवाज़ नहीं सुन रही है, तू जो बोले जा रही है ना कब से, वही तो फॉर्मूला है. डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है? डेट अपॉन इक्विटी. यू नो एट योर स्टूडेंट लेवल ना, आप सब लोग जब भी मैं रेशियो एनालिसिस कराने लगता हूँ ना, फॉर्मूलाज बाय हार्ट करने लगते हो. डोंट बाय हार्ट द फॉर्मूलाज, डोंट डू दैट. अभी एग्जैक्टली क्लियर? कांट डू दैट. अंडरस्टैंड करो, फील करो, उससे बातें करो, ये देखो नाम से क्लियर हो जाएंगे. ऑलवेज मैं लेक्चर लेता हूँ ना, बहुत सारे बच्चों के ऐसे बहुत फैंटास्टिक नाम होते हैं, यू नो वी हैड नेम्स लाइक पालकी, नदिया, प्रत्युषा, यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ राहुल. नाम कौन रखता है? नॉर्मली हमारे सिस्टम और कल्चर में यू नो हमारी फुई, मतलब हमारे डैड की जो बहन होती है ना, वो नाम रखती है. बट जो भी नाम रखता हो, चलो कोई भी नाम रखे, बट कहना इसे नाम रखने के पीछे एक लॉजिक तो होगा, एक दिमाग तो होगा कि नहीं? ऐसे ही थोड़ी नाम रख देते होंगे, है ना? सो रेशियो एनालिसिस के भी नाम ना, इट्स बेस्ड, इट्स देयर. जैसे जैसे धीरे धीरे मैं आगे जाके आपको रेशियोज पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि रेशियोज के फॉर्मूलाज याद रखने के लिए उसका नाम से फॉर्मूलाज बनाना आना चाहिए. अब कितना इंपॉर्टेंट है स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो? सर याद क्या रखना है? कुछ नहीं, बिकॉज फॉर्मूला इज नथिंग बट स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. सर ये रेशियो क्यों निकाल रहे हो आप? देखो वर्किंग कैपिटल इज मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन. तो हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे वर्किंग कैपिटल में स्टॉक कितना है. स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट हो गया सर? बिकॉज अगर आपको याद हो तो करंट रेशियो में से जब हमने स्टॉक को माइनस किया था तो हमें क्विक असेट्स मिला था. स्टॉक इज नॉट अ क्विक असेट. करंट में से माइनस कर दिया तब जाके क्विक मिला. स्टॉक क्विक असेट नहीं हो रखा है. स्टॉक इजिली कन्वर्टेबल इंटू कैश नहीं हो रखा है. तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पूरे वर्किंग कैपिटल में से कितना अमाउंट ब्लॉक है स्टॉक में, ब्लॉक ब्लॉक हो चुका है. दैट इज नोन एज स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो. सो इफ इफ आई टेल यू दैट मेरे स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो लेट्स से 60% है, दैट मीन्स 60% ऑफ माई वर्किंग कैपिटल इज ब्लॉक्ड इन स्टॉक. अभी एग्जैक्टली क्लियर? दैट दैट मीन्स 40% चलो अभी भी फ्री है, 60% तो स्टॉक में ब्लॉक हो गया. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ माई स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो इज लेट्स से 100%, दैट मीन्स हमारा पूरा वर्किंग कैपिटल स्टॉक में ब्लॉक है यार, पैसे ही नहीं है डे टू डे ऑपरेशन के लिए. स्टॉक बेचो बिजनेस चलाओ, स्टॉक बेचो बिजनेस चलाओ, ऐसी कहानी बन जाएगी. सो दैट इज वाई स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट देयर. इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट? वी आर और इट इंटरप्रेट्स, इट इंटरप्रेट्स हाउ मच ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाउ मच ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ब्लॉक्ड इन स्टॉक,
is blocked in stock. 8 does not have a standard ratio. It does not have a standard ratio. It depends upon nature, comma size, comma scale, comma etc. of the entity, of the company. Now, yeah, it's true na, har ek company ek amount ka stock nahi rakh sakta hai na. For example, let's say main TV khareedne ja raha hu, so mujhe like 24 inch ka TV khareedna hai, wo 3-4 brands dikhayega. पर अगर मैं जीन्स खरीदने जा रहा हूँ वो मुझे 3-4 जीन्स नहीं दिखाएगा, उसके मुझे एटलीस्ट 15-20 जीन्स दिखाने पड़ेंगे. सो इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन सा प्रोडक्ट भी खरीदने जा रहे हो ना. इट डिपेंड्स अपॉन द साइज स्केल ऑफ ऑपरेशन. सो इट इंटरप्रेट्स हाउ मच ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ब्लॉक्ड इन स्टॉक. इट डज नॉट हैव अ स्टैंडर्ड रेशियो. डिपेंड्स अपॉन द नेचर, साइज, स्केल एक्सेट्रा ऑफ एन एंटिटी. डू यू अग्री विद दिस वन? एंड एक और चीज गाइस, व्हाट्स अ फॉर्मूला? स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल नहीं बोला मैंने, खाली स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100 बोला. आंसर किस में आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? लेक्चर नंबर 1 याद है, 1:2 इज रेशियो, 1/2 इज रेशियो, 50% इज रेशियो, 0.5 इज रेशियो. और हर एक रेशियो का इंटरप्रेट करने का एक तरीका होता है. करंट रेशियो को परसेंटेज में नहीं लिखना है. करंट रेशियो शुड ऑलवेज बी -1. क्विक रेशियो शुड बी -1. कैश रेशियो शुड बी -1. बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो शुड बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज. वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज अमाउंट. बट स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल दैट इज स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई 100 विल बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. चकास, क्लासिक. मैं तो ऑलवेज याद रखता हूँ. सो हाउ डू आई रिमेंबर इफ somebody टेल्स मी सर आप कैसे याद रखते हो? सो मैं कैसे याद रखता हूँ? करंट असेट्स, सॉरी, करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू -1. क्विक रेशियो, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू -1. कैश रेशियो इज इक्वल टू कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू -1. बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, कैश बैंक रिसीवेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस डिवाइड बाई 365 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट. स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल इज स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई 100 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. क्लासिक. और क्वेश्चन नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल एंड स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो. सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3, आर यू ऑल रेडी? चकास बोलो यार, मैं बोलता हूँ तुम लोगों को, ये 27 मिनट्स का लेक्चर भी हो चुका है और अभी तक जकास नहीं बोला तुम लोगों ने. एंड प्लीज डू शेयर एंड लाइक द वीडियो यार, एटलीस्ट. ठीक है, ये इतनी सारी जो मेहनत कर रहा हूँ ये आपके लिए है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3. फाइन लिमिटेड एंड रिफाइन लिमिटेड. गाइस, करंट असेट्स 4 लाख, करंट लाइबिलिटी 2 लाख 40, वर्किंग कैपिटल 1 लाख 60. बट अगर आप देखेंगे तो दोनों जन के अंदर स्टॉक एक में 2 लाख और एक में 2 लाख 80. सो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वन आई एम टॉकिंग अबाउट फाइन लिमिटेड. गाइस, फाइन लिमिटेड का कैलकुलेशन 1 या तो टेबल में काम कर लेते ना. सो कंपैरेटिव एनालिसिस बराबर बन जाएगा. सो दिस इज फाइन लिमिटेड, दिस इज Refine Limited. First one, what is the first thing that we are doing? Working capital. कैसे निकालेंगे working capital? Sir, current assets में से current liability को minus कर देंगे. Current assets कितना है? 4 लाख. Current liability कितना है? 2 लाख 40. 4 लाख माइनस 2 लाख 40, आंसर कम्स टू 1 लाख 60. करंट असेट्स कितना है? 4 लाख. करंट लाइबिलिटी कितना है? 2 लाख 40. वर्किंग कैपिटल कितना है? 1 लाख 60. दोनों कंपनी का वर्किंग कैपिटल सेम. सेकंड कैलकुलेट करूंगा मैं इस कंपनी का स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो. That is equal to stock upon working capital multiplied by 100.
मैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का ऐसे डब्ल्यू सी लिख दूंगा, आप एग्जामिनेशन में शॉर्ट वर्ड्स यूज नहीं करना। स्टॉक, हाउ मच इज स्टॉक फॉर द फर्स्ट कंपनी? 1,20,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल इज 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। गाइस आंसर आ रहा है मेरा 75%। और दूसरे में 2,80,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2,80,000 डिवाइड बाई 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज 175%। एक कंपनी के अंदर स्टॉक 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल है, दूसरे कंपनी के अंदर स्टॉक 175% है। अब कौन सा कंपनी अच्छा हुआ? इसे इसे जानने के लिए कि कौन सा कंपनी का यू नो रेशियो अच्छा है, हम इसे ऐसे कंपनी टू कंपनी कंपेयर नहीं करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है सर? इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये दोनों कंपनी कौन से बिजनेस में, कौन से इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री इज लाइक बिजनेस। सो फॉर एग्जांपल ये दोनों सर गारमेंट इंडस्ट्री में हो रखे, ये दोनों के शॉप्स है मॉल्स में, क्लोथ्स बेचते हैं, मेंस वेयर बेचते हैं। बढ़िया, तो वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है सर? इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रेशियो है 90%। तो फाइन लिमिटेड का स्टॉक कम है थोड़ा, बट रिफाइन लिमिटेड तो ओ भाई बहुत स्टॉक रख रहा है। दैट्स नॉट गुड बिकॉज दैट इंडिकेट्स ब्लॉकेज ऑफ फंड्स, दैट इंडिकेट्स यू नो वेस्टेज ऑफ स्टॉक। इतना स्टॉक रखेंगे फिर बिकेगा नहीं, फिर वेस्टेज हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, है कि नहीं? सो गाइज यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ऐसे 75% इज गुड, 175% इज बैड, या 175% इज गुड एंड 75% इज बैड, ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना, ठीक है? हमें हमें ऑलवेज कंपेयर करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से। चकास, टू गुड। चलिए सो गाइज ये हो गई 6 कहानी हमारी लिक्विडिटी रेशियोज पे। आप सब लोग क्लियर हो लिक्विडिटी रेशियोज पे? प्लीज़ शॉर्ट शॉर्ट में मेरे साथ समरी लिखते जाइए यहाँ पे बीच में एक बार रेड पेन से, तो आपको मज़ा आएगा ये अंडरस्टैंड करने में। सो लिक्विडिटी रेशियोज फर्स्ट वन समरी, और किसका समरी बना रहा हूँ मैं? लिक्विडिटी रेशियोज की समरी बना रहा हूँ मैं। फर्स्ट वन इज करंट रेशियो, दैट इज करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सेकेंड क्विक रेशियो, दैट इज क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। थर्ड वन कैश रेशियो, दैट इज कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। फोर्थ गाइस बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, दैट इज कैश बैंक रिसीवेबल्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय 365। फिफ्थ कंपनी का वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते, दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सिक्स्थ गाइस कंपनी का स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो कैसे निकालना है, तो स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालना है हमें स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। क्लासिक, एनी डाउट्स? टू गुड जकास। चलिए कंटिन्यू कीजिए, आज इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं आपको। अब आ रहा है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और लेवरेज रेशियोज। तो अब हम लिक्विडिटी पोजिशन से अपनी दिमाग हटा रहे हैं, अब हम कंपनी के लिक्विडिटी के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग बातें कर रहे हैं कंपनी की सॉल्वेंसी, कंपनी के लेवरेज रेशियो की। सो
The leverage ratio may be defined as those financial ratio which measures long-term stability and capital structure of the company. The leverage ratio indicates the mix of the funds provided by owners and lenders and assured this and that. ठीक है, बहुत कुछ लिखा है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है. सो लेवरेज रेशियो मैं कहता हूँ मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा गाइज. एक है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और दूसरा है कवरेज रेशियो. ये थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे. सो अब आप जाइए और लिखिए गाइज लेवरेज रेशियो मेन पॉइंट नंबर बी. ए वॉज लिक्विडिटी रेशियो, बी इज लेवरेज रेशियो. B is leverage ratio. ठीक है, next line. Leverage ratio can be subclassified into guys B.1 capital structure ratio, capital structure ratio, and guys B.2 is coverage ratio, capital structure ratios, and second one is coverage ratios. Are we exactly clear with that one? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और कवरेज रेशियो. चलिए ठीक है सर, अब क्या है, व्हाट यू मीन बाय दैट? सो गाइस B.1 इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोस. नाम से क्लियर है. इट इंडिकेट्स it indicates the capital structure of the company with reference to debt and equity. With reference to debt and equity, you know, debt कितना है, equity कितना है, it's all about capital structure. Company का capital कैसे form किया गया, that's what we are trying to do. हाँ, liquidity ratios में हम क्या check कर रहे थे, you know. So अगर हम आराम से देखें ना company को guys, तो ये है ना अपनी company की balance sheet. यहाँ पे fixed assets, करंट assets, करंट liability, कैपिटल, कैपिटल में आ जाता है share capital और reserves. यहाँ पे आ जाते हैं loans, that is non-current liability. कंपनी की लिक्विडिटी पोजिशन देख रहा था ना, इट वॉज ऑल अबाउट दिस टू पार्ट्स. मैं ये दो पार्ट को कंपेयर कर करके चेक कर रहा था. अब मैं इस पार्ट पे आ रहा हूँ, बॉडी के इस पार्ट पे आ रहा हूँ. हम लोग एक एक पार्ट उठा रहे हैं और उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं. तो सर पहले आपने क्या टेस्ट किया बेटा? पहले मैंने पेट टेस्ट कर लिया, पेट बराबर है कि नहीं. बॉडी का सबसे मेन पार्ट है ना, इट्स लाइक स्टमक, खाना चाहिए कि नहीं भाई. दैट इज़ करंट रेशियोज, क्विक रेशियोज, कैश रेशियोज, डिफेंस रेशियोज, वर्किंग कैपिटल, स्टॉक टू लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी कंपनी की कैसी है, ठीक है. अब मैं ना कंपनी कैसे हाथों में आ रहा हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का कैपिटल कहाँ बेस्ड है, दैट इज नोन एज कैपिटल रेशियोज, capital structure ratios. So we have, that is what we call it as capital structure ratios. So capital structure ratios में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ratios करेंगे. Capital structure के अंदर 6 ratio, debt ratio, equity ratio, debt to equity ratio, debt to total asset ratio, capital gearing ratio, proprietary ratio. So this is all about the capital ratio. So capital ratio के अंदर हमारे पास 6 ratio आएंगे. Guys, 6 ratio. कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग लिखेंगे ए
फर्स्ट वन इज इक्विटी रेशियो, बहुत सिंपल फॉर्मूला, इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला इज इक्वल टू इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे आंसर इज टू वन नहीं लिखना है, जो भी आंसर आएगा, अगर परसेंटेज निकालना चाहते हो तो 100 कर देना। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी कितना है, सो दैट इज इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, बट यहाँ पे याद क्या रखना है, व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर योर आदर पार्ट्स। अब है ना, फाइनेंस के थोड़े वर्ड्स अंडरस्टैंड करने लगो बरोबर से। सो गाइज, इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। इक्विटी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपके लिए कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में लिख रहा हूँ फर्स्ट वन इज इक्विटी। गाइस, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। गाइस, दैट इज इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस, पूरा शेयर होल्डर्स फंड्स। अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, मुझसे ही पढ़ रहे हो राइट? तो अकाउंट्स पढ़ रहे, तो हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट टी फॉर्मेट के नहीं, वर्टिकल बैलेंस शीट कंपनी फॉर्मेट का बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस, दैट इज इक्विटी। फाइनेंस में उसे इक्विटी, शेयर कैपिटल इज नॉट इक्विटी। फाइनेंस में अपने को कोई पूछे व्हाट इज योर इक्विटी, दैट मीन्स वो लोग शेयर होल्डर्स फंड्स पूछ रहे हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स बोल दो, ओनर्स फंड बोल दो, नेटवर्थ बोल दो, ओन फंड्स बोल दो। सो यू नो, इक्विटी के बहुत नाम है, इक्विटी के बहुत सारे नाम है। इट इज नोन एज शेयर होल्डर्स फंड्स, इट इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स फंड्स, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ। ये सब अलग अलग नाम है किसके, इक्विटी के। सो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, कंपनी अगर कोई भी अपने को पूछे आपका इक्विटी कितना है, दैट मीन्स वो लोग क्या पूछ रहे क्या आपसे, वेंदे से आपका इक्विटी कितना है, दैट मीन्स वो लोग आपसे पूछ रहे कि आपका शेयर कैपिटल, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो रखा है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रखा है तो उसे लॉसेस कहते हैं, उसे माइनस करेंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस इज बेसिकली रिफर्ड टू एज इक्विटी। इक्विटी अपॉन व्हाट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। सो व्हाट इज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड गाइस, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस डेट। डेट, डेट मतलब लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं आएंगे यहाँ पे, सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं, शॉर्ट टर्म लोन्स करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स डिबेंचर आ जाएगा, बैंक लोन्स आ जाएंगे। सो दैट इज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। यू नो, फाइनेंस में वी डोंट लुक इन टू द बैलेंस शीट एज अ बैलेंस शीट का पार्ट, जैसे कि लायबिलिटीज एंड असेट्स या इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड असेट्स। फाइनेंस में हम लोग बैलेंस शीट को ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं पहले इक्विटी रेशियो करा के एक डेट रेशियो कराता हूँ, फिर एक डेट इक्विटी रेशियो कराता हूँ, फिर आपको बैलेंस शीट का पार्ट्स बताता हूँ। तो ठीक है, फाइनेंस में हम लोग बैलेंस शीट को कैसे डिवाइड करेंगे? फाइनेंस में हम लोग बैलेंस शीट को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। गॉट दिस? पहले तीन रेशियो करा देता हूँ फिर आगे जाऊँ, कि पहले बैलेंस शीट का पार्ट करा दूँ। क्या करा दूँ आपको, बैलेंस शीट का पार्ट करा दूँ? ठीक है, पहले ये इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तो लिख लीजिए। इक्विटी का रेशियो का फॉर्मूला इज इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड? इज इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स फंड्स, ओनर्स फंड्स, नेटवर्थ। जकास है, स्टैंडर्ड रेशियो नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूँ। आप नीचे लिखते जाना सब कुछ,
इंटरप्रिटेशन गाइस, इट इंडिकेट्स हाउ मच इक्विटी डज कंपनी हैव आउट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, फुल स्टॉप. देर इज नो स्टैंडर्ड रेशियो, देर इज नो स्टैंडर्ड रेशियो, फुल स्टॉप. चकास देखिए, कैपिटल रेशियो. दिस रेशियो इंडिकेट्स प्रपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड्स टू टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. ट्रेडिशनली इट इज बिलीव दैट हायर द प्रपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड्स लोअर द डिग्री ऑफ रिस्क टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर. ट्रेडिशनली पहले लोग ऐसे सोचते थे कि ओनर्स फंड ज्यादा होगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, बट पहले ऐसे सोचते थे. नेक्स्ट वन, कैपिटल इक्विटी रेशियो के बाद डेट रेशियो. नाउ बिफोर आई गो टू डेट रेशियो, एक ब्रेक लेता हूँ, कंपनी का फॉर्मेट समझाता हूँ और कंपनी के फॉर्मेट के बाद आपको आगे लेके जाता हूँ. सो फिलहाल ये सेकेंड लेक्चर का एक बार छोटा सा रिविजन. अब तक हम लोग कहाँ पहुँच गए गाइस? वी आर डन विथ समथिंग विच इज नोन एज लिक्विडिटी के सारे रेशियोज हो गए. करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो. वी आर डन विथ नेटवर्किंग कैपिटल. वी आर ऑल्सो डन विथ स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट वन, वी स्टार्टेड विथ लेवरेज रेशियोज. लेवरेज रेशियोज को दो पार्ट में क्लासीफाई किया मैंने. फर्स्ट पार्ट होगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज और सेकेंड पार्ट होगा आपका कवरेज रेशियोज. पहले मैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज करा रहा हूँ कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है. उसमें मैंने सबसे पहले आपको इक्विटी रेशियो कराया, दैट इज इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. मेन बात ये फॉर्मूला नहीं था, इक्विटी रेशियो तो बहुत सिंपल से याद रह जाता है, इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. मेन था कि इक्विटी का मतलब क्या होता है. सो इट इज़ शेयर होल्डर्स फंड्स. इसे ओनर्स फंड्स भी कहते हैं, इसे नेटवर्थ भी कहते हैं, ठीक है. सो गाइज, इक्विटी दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस. एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब डेट अपॉन इक्विटी. एंड आई हैव अग्रीड कि ब्रेक लेने के बाद पहले कैपिटल कंपनी का बैलेंस शीट लर्न करेंगे, फिर और आगे के रेशियोज लेके जाएंगे, ठीक है. चलिए, टेक अ ब्रेक, मीट मी बैक अगेन.